हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? सब बढ़िया है? आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं. गेस व्हाट? दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. आपका जो ह्यूमंस की बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिस्टम चाहिए ताकि सारे जो फूड है, आपका ऑक्सीजन है, जो भी सब्सटेंसेस सेल्स को चाहिए, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं. तो आपको ये पता होगा कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मन से, तो उसमें मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. ज्यादातर सभी लोग जानते हैं हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है. उसके बाद जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में, बहुत सारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, और जो फ्लो होता है दैट इज ब्लड. तो ये सारी चीजें मिलके ह्यूमन का क्या बनाती है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन. तो आपके पार्ट्स क्या हो गए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के? हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड. तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द ब्लड. ब्लड सभी को पता है, नॉर्मल हम कैसे देखते हैं ब्लड, रेड इन कलर. दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन. पिगमेंट जो आपका हीमोग्लोबिन है उसके कारण ही इसका कलर भी कैसा होता है, रेड होता है. और यही मेन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है. तो ब्लड के मेन पार्ट्स क्या हुए? आपका सबसे पहला है ब्लड. इसके मेन पार्ट्स हैं, सबसे पहला आता है आपका, इसका मेन पार्ट है प्लाज्मा. सेकेंड RBC, दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड कॉर्पसल. RBC का फुल फॉर्म क्या हुआ? रेड ब्लड कॉर्पसल. थर्ड क्या हुआ आपका इसमें? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं इसको, रेड ब्लड सेल. एंड फोर्थ वन इज प्लेटलेट्स. तो ये चार चीजें से मिलके हमारा ब्लड बना है. तो ब्लड में सबसे पहला आता है प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है? मेन जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है वो क्या है आपका? प्लाज्मा. ये मेनली 90% वाटर से मिलके बना है. इसमें मेनली क्या होता है, ये 90% वाटर से मिलके बना है. जो भी ब्लड का फ्लूइड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा. जो आपकी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स, ये सारे किसमें है? प्लाज्मा में फैले हुए. यानी प्लाज्मा हो गया बेस आपका लिक्विड मटेरियल, उसमें आपकी आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट. तो प्लाज्मा मेनली 90% वाटर से मिलकर बना है. इसमें कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे आपका प्रोटीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गए, हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं, और आपका वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया और CO2. ये सारी चीजें आपकी प्लाज्मा में हो गए. तो ये तो हो गया हमारा प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट्स हो गया. अब आता है आपका आरबीसी. आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल. मेन ये कैसा होता है? सर्कुलर शेप में होता है, डिस्क शेप में. इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. आरबीसी में क्या होता है? नो न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता. जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का मेन काम होता है वो कौन करता है? आरबीसी. और आरबीसी में कौन है? जो इसमें एक पिगमेंट होता है दैट इज हीमोग्लोबिन. तो आरबीसी में कौन सा पिगमेंट हो गया आपका? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन पिगमेंट आरबीसी में होता है, जिसके कारण इसका कलर भी रेड होता है. और हीमोग्लोबिन ही होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड होता है और ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाता है. और आपका जो CO2 है वेस्ट मटेरियल सेल्स का, वो भी हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर वापस हमारा लंग्स में आता है. लेकिन मोस्टली जो आपका CO2 है वो डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म होकर फिर पहुंचता है लंग्स में. आपका थोड़ा बहुत CO2 हीमोग्लोबिन कैरी करता है, बाकी का रेस्ट आपका प्लाज्मा कैरी करता है. आरबीसी की लाइफ बहुत कम होती है, मेनली कितनी होती है ये? 120 डेज. अब इसकी शॉर्ट लाइफ का रीजन क्या है?
फर्स्ट इसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। डेली आपकी 3 मिलियन आरबीसी सेल्स किल होती है बॉडी में और इसका 4 टाइम्स आपका रीजनरेट होता है। तो आरबीसी की लाइफ 120 डेज होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और ये 120 डेज में फिर से आप रिन्यू होती है। डेली आपकी सेल्स जो आरबीसी है किल होती है और डेली रीजनरेट होती है। अगर कोई ह्यूमन ब्लड देता है, डोनेट करता है, तो बहुत ही जल्दी आपकी बॉडी फिर से ब्लड बना लेती है जो कि हमारी बोन मैरो में बनती है। अब आता है आपका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस है। डब्ल्यूबीसी इनका जो नंबर है सेल्स का, ये आरबीसी के कंपेयर में काफी कम होती है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस आपका पाया जाता है। मेनली ये क्या करती है, डब्ल्यूबीसी फाइट करती है इन्फेक्शन से और हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर आपकी बॉडी में कोई एक्सटर्नल बैक्टीरिया या इन्फेक्शन पहुंचा है तो हमारी डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाती है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। तो यानी कि इनका काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन। ये क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम हो गया। इनके जो सेल्स है, न्यूक्लियस है, सेल्स का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट शेप में होता है, सर्कुलर हो सकता है, ओवल हो सकता है और जो न्यूक्लियस का शेप है वो भी वेरी करता है। अब आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये आपकी टिनी फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स हैं जो कि बोन मैरो में बनती है। मेन इनका काम होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि अगर आपके बॉडी में कहीं कट हो गया, वुंड हो गया, तो ये क्या करेंगी, वहां पे ब्लड को ठीक कर देती है और ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है ताकि बॉडी से ब्लड लॉस ना हो। और इनकी सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग, जो बॉडी में ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। तो ये तो हो गया हमारा ब्लड के पार्ट्स, उनके बारे में। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं। नाउ वी कम्स एट द टॉपिक फंक्शन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड के मेनली 3 फंक्शन होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आपके बॉडी में जो फूड है, जो ऑक्सीजन है, CO2 है, वेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन्स है, आपके जो हार्मोन्स है, इन सब का जो ट्रांसपोर्ट होता है तो ये किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होता है। यानी कि अगर जैसे आपका हार्मोन्स बॉडी के किसी पार्ट में बना, ग्लैंड में, अब उसके हमें नीड बॉडी के अदर पार्ट्स में, तो वो किसके थ्रू होकर जाएगा, ब्लड के थ्रू। फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन में, पूरी सेल्स में पहुंचना है, किसके थ्रू जाएगा आपका, ब्लड के थ्रू। ऑक्सीजन आपकी लंग्स से मिली, हार्ट में आई, हार्ट से पूरी ब्लड बॉडी पहुंचा, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। तो अब हमारा जो ब्लड है वो प्रोटेक्शन का काम भी करता है क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज बनाती है और जर्म से फाइट करती है, इन्फेक्शन से बचाती है। तो ये क्या हो गई हमारी, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो प्रोटेक्शन का काम भी हमारा ब्लड का हो गया। थर्ड है बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो क्या होती है, हमारी पूरी बॉडी में स्किन पे फैली होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है। तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। तो आपका ब्लड हो के पार्ट्स हो गए, फंक्शन ऑफ ब्लड हो गए। अब हम लोग को मेन समझना है हार्ट। हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, हार्ट कैसे वर्क करता है ये पढ़ेंगे, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हार्ट आपका क्या है, रफली ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है और ये कैसा होता है, कार्डियक मसल से मिलके बना होता है, मस्कुलर टिश्यू है। और जो हार्ट का साइज है वो हमारी क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर, यानी कि जैसे हम मुट्ठी बंद करते हैं तो इसके साइज के बराबर होता है। तो हार्ट आपको सभी को पता है ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में
लोकेटेड होता है, जनरली लेफ्ट साइड थोड़ा। तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं। हार्ट में देखिए मेन फोर चैम्बर्स होते हैं, दो आट्रियम और दो वेंट्रिकल। फोर चैम्बर्स होते हैं, जो आपके आट्रियम होते हैं ये ऊपर है और वेंट्रिकल्स नीचे है। ये आपका लेफ्ट पार्ट है, यानी कि लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, राइट आट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। जो आपके आट्रियम होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं ये ब्लड को पंप करते हैं। तो जो आपका राइट आट्रियम है और आपका ये लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में एक वॉल होता है V1। राइट आट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में वॉल्व है V2। ठीक, आपका जो हार्ट है एक लेयर दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है हार्ट की। अब हम इसके फंक्शन पे आते हैं, इसके कैसे ये वर्क करता है। देखिए सबसे पहले आपका ये है पल्मोनरी वेन, ये कहां पर आ रही है आपकी लेफ्ट आट्रियम में। पल्मोनरी वेन आती है आपकी लंग से, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। कैसा ब्लड होगा, पल्मोनरी वेन लंग से आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, कहां पर आएगी लेफ्ट आट्रियम में। अब जब लेफ्ट आट्रियम में हमारा ब्लड आ गया तो अब ये यहां पर आया, अब इसके बाद वॉल्व V1 ओपन होगा और कहां पर जाएगा ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पूरा ब्लड फिल हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ये वॉल्व V1 अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, यानी कि वेंट्रिकल से वापस ब्लड आट्रियम में ना जा पाए। वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाएगा वॉल्व V3 के थ्रू मेन आर्टरी दैट इज कॉल्ड aorta। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी जो है aorta उसके थ्रू होकर जाएगा आपकी पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में ब्लड जो जाती है जिस आर्टरी के थ्रू वो दैट इज aorta या मेन आर्टरी। ये तो आपका पूरी बॉडी में पहुंच गया। फिर बॉडी में क्या हुआ, आर्टरी है मेन aorta, उसके बाद छोटी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के बाद कैपिलरीज होती हैं। ठीक, ऑर्टा किसमें, मेन ऑर्टा हो गया, इसके बाद ये ब्रांच होगी पतली आर्टरीज में बनती है बॉडी में, उसके बाद कैपिलरीज होती है। तो कैपिलरीज जो होती हैं वो हमारी सेल्स के कांटेक्ट में होती हैं। तो जो आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है CO2 का, वो कैपिलरीज और सेल्स के बीच हो जाएगा। कैपिलरीज ने ऑक्सीजन सेल्स को दिया, सेल से ब्लड CO2 वापस आपका कैपिलरीज में आ गया। अब ब्लड हमारा क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया बॉडी में। फिर बॉडी से ब्लड आएगा आपका मेन वेन या वेना केवा के थ्रू। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसमें CO2 है, मेन वेन या वेना केवा। अब ये वेना केवा कहां पे लाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट आट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर उसके बाद वॉल V2 ओपन होगा और जो राइट वेंट्रिकल है इसमें पूरा जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इसमें फिल हो गया। अब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, V2 वॉल बंद हो जाएगा ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड V4 के थ्रू किसमें जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाएगी, लंग्स में, ताकि हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाए, प्योर हो जाए। और जब लंग्स ब्लड को प्योर कर देती है तब हमारा फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से आ जाएगा जो कि ऑक्सीजन कैरिंग होगा। यानी कि पल्मोनरी वेन से आपको ऑक्सीजन ब्लड आया, वॉल्व V1 ओपन हुआ, फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रेक्शन हुआ और V3 के थ्रू मेन आर्टरी aorta से होते हुए पूरी बॉडी में चला गया।
पूरी बॉडी में ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ, CO2 वाला जो ब्लड था इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से कौन लेके आएगा, हमारा मेन वेन वेना केवा, जो कि राइट आर्ट्रियम में लेके आएगा, वॉल बी टू ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रेक्शन हुआ, वी फोर वॉल खुला और पल्मोनरी आर्टरी से होता है वो वापस लंग्स में पहुंच गया प्योर होने का। तो ये हमारी साइकिल चलती रहती है। जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं इनमें कॉन्ट्रेक्शन दोनों में एक साथ होता है और आर्ट्रियम में एक साथ, और ये कॉन्ट्रेक्शन अल्टरनेटली चलता रहता है और हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। अब इसमें लेफ्ट और राइट पार्ट जो है, तो आपका जो लेफ्ट पार्ट है तो लेफ्ट पार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ रिसीव करता है और इससे बॉडी को वापस भेज, यानी कि लेफ्ट पार्ट में जो आपका हार्ट का लेफ्ट पार्ट है उसमें प्योर ब्लड रहता है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड है, और जो आपका राइट पार्ट है इसमें बॉडी से आया जो कि इम्प्योर था, डीऑक्सीजनेटेड था, इसमें भी वही फील हुआ। तो जो हमारा राइट पार्ट होता है हार्ट का उसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि इम्प्योर ब्लड। ये दोनों ही आपके हार्ट के पार्ट एक सेप्टम के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं, जिससे कि आपका प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्सअप नहीं होते। आपने सुना होगा कि कभी कभी कहते हैं हार्ट में होल है, उसका मतलब ये होता है जो आपका ये सेप्टम होता है ये आपकी वॉल में कहीं पर हल्का सा होल होता है जो कि दोनों ब्लड को क्या कर देता है, मिक्सअप कर देता है। तो हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड क्या हो जाता है वहां पर मिक्सअप हो जाता है, जिससे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ये तो हो गया आपका हार्ट का फंक्शनिंग डायग्राम ऑफ हार्ट। आप इसको सिंपल डायग्राम में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का ये डायग्राम है, ये मान लीजिए आपका हार्ट है, ठीक, ये आपका हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लंग्स एंड बॉडी ऑर्गन। अब आपका देखिए फर्स्ट स्टेप में लंग्स से आया आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मली आपकी जो आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आ रहा है लेफ्ट आर्ट्रिया में वो कौन सी है, पल्मोनरी वेन, यानी कि ये वेन है लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बस ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा, एक लंग से जो पल्मोनरी वेन्स लाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेकंड है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। तो यहाँ पे आर्टरी है लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है और ये वेन है लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। सेकंड पॉइंट, जो आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल है जब इससे ब्लड जाता है मेन आर्टरी ऑर्टा से पूरे बॉडी में, तो ये पूरी बॉडी में जाता है एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स में आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा। अब लंग्स से बॉडी ने क्या किया, हमारा ब्लड प्योर हुआ, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आया आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में, वॉल वी वन जो लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है ओपन हुआ, जैसे ये फिल हुआ तो क्या हुआ ये ओपन हुआ। अब इसके बाद हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, वी वन वॉल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, मेन आर्टरी दैट इज कॉल्ड ऑर्टा ये ब्लड ले जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स में आर्टरीज ब्रांच्ड होके आर्टरियोल्स में कन्वर्ट होगी जो आर्टरी से स्मॉलर होती है थिनर होती है। उसके बाद कैपिलरीज जो कि सिंगल सेल्स थिन कैपिलरीज होती है, मेन जो हमारा कैपिलरीज ही होती है जो बॉडी के हर सेल्स के कांटेक्ट में होती है, तो वहां पर ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होगा वो कैपिलरीज के थ्रू ही होगा, कैपिलरीज देन कनेक्ट होंगी वेन से, यानी कि आर्टरी और वेन्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन सी होगी, हमारी कैपिलरीज। अब कैपिलरीज में
एक्सचेंज हो गया सेल्स के लिए, उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ गया आपका वेन्स में। ये वेन्स बड़ी वेन्स में जुड़ जाएंगे यानी कि मेन वेना केवा में, जो कि CO2 कंटेनिंग ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी हमारी राइट आर्टरियम में। अब राइट आर्टरियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, फिल हो गया, वॉल V2 ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो गया, तब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा और आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाएगा प्योर होने के लिए। तो ये हो गया आपका सिंपले डायग्राम आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का। हीट साइकिल होने में जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से 2 times पास होता है, फर्स्ट टाइम आपका लेफ्ट पार्ट में और सेकेंड टाइम राइट पार्ट में। तो जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए एक पार्ट में क्या होता है हमारा ब्लड लंग्स हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस हार्ट में आता है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। आपका हार्ट से ब्लड कहाँ गया लंग्स में और लंग्स से ब्लड वापस हार्ट में आया, ये हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड पार्ट में देखिए आपका ब्लड हार्ट से कहाँ गया बॉडी में और बॉडी से वापस हार्ट में आया, तो ये हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन जब होता है ब्लड का तो उसमें 2 सर्कुलेशन सिस्टम शामिल है आपके, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इसमें ब्लड को 2 times पास होना पड़ता है हार्ट से तभी एक हमारी कंप्लीट साइकिल हो पाती है। अब जब हमारे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो क्या होता है ब्लड ये आर्टरीज के थ्रू भेजता है, एक बॉडी में भेज रहा है एक इधर लंग्स भेज रहा है, और रिलैक्स जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो हार्ट का साइज क्या हो जाता है छोटा हो जाता है और ये पुश करता है ब्लड को। जब हमारे आर्टरियम्स फिल्स होते हैं तब हमारा हार्ट क्या हो जाता है रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन ये दोनों मिलके एक कंप्लीट हार्ट साइकिल बनती है, जो कि नॉर्मली एडल्ट पर्सन में जब नॉर्मल कंडीशन में है तो वो 70 to 72 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितने बार बीट हो रहा है 70 से 72, यानी कि 1 मिनट में हमारा हार्ट में जो ये सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन एक साइकिल हुई, तो यानी 72 times 1 मिनट में लगभग 72 times हमारा ब्लड बॉडी में क्या हो रहा है पूरा सर्कुलेट हो रहा है। इसको हम पल्स रेट्स कैसे मेजर कर सकते हैं, हम हार्ट रेट को तो हार्ट में स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स यूज करते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए। जो हमारी मेन आर्टरी होती है, वैसे आर्टरीज क्या होती है हमारी बॉडी के इनर पार्ट्स में ज्यादा होती है, लेकिन कुछ आर्टरीज हैं जो हमारे बाहर पार्ट में भी होती है, जैसे आपके यहाँ पे होती है पल्स वाली रिस्ट में और आपकी टेम्पल में होती है नेक में होती है जो कि बॉडी से थोड़ा स्किन के पास में होती है, तो इसके थ्रू भी हम हार्ट बीट को पता कर सकते हैं। आपकी जो रिस्ट में होती है तो उसपे क्या होता है जितने बार ये ब्लड आता है इसमें आर्टरीज में फोर्स के साथ आता है तो आर्टरी में क्या होता है एक्सपेंशन होता है थोड़ा, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा हार्ट कितने टाइम बीट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ भी ऐसे फिंगर रख के टच करेंगे तो जो आर्टरी में एक्सपेंशन होता है बार बार तो वो भी लगभग यही रेट आएगा, तो आपकी हार्ट बीट आपकी पल्स रेट सेम होती है। तो ये तो हो गया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर आपने जब भी देखा होगा डॉक्टर मेजर करते हैं उसमें 2 units लिखते हैं, एक होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो कि ज्यादा होता है और सेकंड होता है क्या डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल पर्सन में आपका ये कितना होता है 120 mmHg एंड दिस इज 80 mmHg। जब आपका एज जैसे थोड़ी ज्यादा हो जाती है
तो आर्टरियोल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण ये बढ़ जाता है और हो जाता है आपका 140 और 90 mmHg। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब हार्ट पे कॉन्ट्रेक्शन हुआ, यानी कि जो वेंट्रिकल्स होती हैं उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है और ब्लड हमारा पुश किया जाता है आर्टरीज के थ्रू, बॉडी में आर्टरीज के थ्रू पुश किया जाता है, तो उस टाइम पर जो आर्टरीज में प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर के बराबर होगा। यानी कि जिस प्रेशर से हार्ट हमारा ब्लड को थ्रो करता है आर्टरीज में, वो प्रेशर आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है। वही प्रेशर आर्टरीज में मेंटेन रहता है जब तक कि ब्लड हमारी सभी सेल्स में पहुंच जाता है। जब हमारा हार्ट रिलैक्स में आता है, कब? जब हार्ट हमारा ब्लड से फिल होता है, उस टाइम हार्ट हमारा क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। उस टाइम पर जो हार्ट का प्रेशर होता है सेम वही प्रेशर हमारी आर्टरीज में होता है, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इस्फिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। अब मेजर करने के लिए पहले क्या लिया, जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है और एक रबर कफ होता है जिसको हम लोग, यहाँ पे क्या होती है हमारी हैंड में आर्टरीज होती है जो कि हार्ट से निकल के ऐसे नीचे की तरफ रन करते हैं, दैट इज ब्रैकियल आर्टरी। तो यहाँ पर हम वो रबर कफ को क्या करते हैं, टाइटली बांधते हैं, उसमें क्या डिफ्लेटेड किया जाता है, उसमें एयर फिल की जाती है ताकि वो टाइट हो जाए। तो लगभग क्या करते हैं, ऐसे होता है हमारा, इसमें क्या करते हैं वो डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें रबर कप में फिल करके प्रेशर बढ़ाते हैं, तो लगभग 200 mmHg तक प्रेशर इसमें लगा दिया जाता है आर्टरीज में। अब जो 200 mmHg प्रेशर है वो क्या है, हमारे सिस्टोलिक प्रेशर से भी ज्यादा हो गया। उस समय ये बिल्कुल टाइट होगा और जो आर्टरी है हमारी उस पे ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो उस समय अब हम, उस टाइम हमने प्रेशर बढ़ा दिया 200 mmHg तक, उस टाइम स्टेथोस्कोप का हम जब यहाँ पर रखेंगे और उसको सुनेंगे तो हमें कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्रैकियल आर्टरी में प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस टाइम इसमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ताकि जब ब्लड फ्लो ही नहीं होगा तो हमें कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। अब जब हमने इस प्रेशर को थोड़ा लो डाउन करना शुरू किया, जो हमने प्रेशर बढ़ाया था हवा भर के इसको टाइट किया, इसको हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा इसमें प्रेशर कम करना शुरू किया, तो जहां पर हमें एक साउंड सुनाई देना शुरू होती है, जैसे पहले क्या होगा, प्रेशर ज्यादा है, आर्टरी में कोई ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, अब हमने प्रेशर कम करना शुरू किया, तो जब वो सिस्टोलिक प्रेशर पे पहुंच जाएगा, यानी कि ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया एक हाईएस्ट प्रेशर पे, और जब साउंड हमें सुनाई देना शुरू हो जाती है, स्टेथोस्कोप यहाँ पे रखा है, उसकी सुन भी रहे आवाज, तो जैसे ही हमें साउंड सुनाई देना शुरू होता है, एक मतलब बहुत ही हल्की साउंड सुनाई देती है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। तो वो प्रेशर कौन सा होगा, सिस्टोलिक प्रेशर। अब हम प्रेशर को और कम करते जाएंगे, यानी कि जो इस पे हवा थी उसको क्या करते हैं, कम करते जाएंगे, लेकिन इसका प्रेशर कम होता जाएगा। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी थोड़ी देर बाद, टाइम बाद, कि आपको साउंड बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, यानी कि उस टाइम पर आपकी ब्रैकियल आर्टरी में कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा होगा, यानी कि हार्ट हमारा रिलैक्स में होगा उस टाइम। तो जब वो साउंड हमें सुनाई देना शुरू ही थी जहां पर, वो था आपका सिस्टोलिक प्रेशर। जहां पर ये साउंड सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाती है, अगेन पहले नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, उसके बाद प्रेशर कम किया, तो जहां पे आवाज सुनाई देना शुरू हुई थी वो हो गया सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद भी हम जब उसको डिफ्लेटेड करते जाएंगे, इसको प्रेशर कम करते जाएंगे रबर कप का, और वो जो सिस्टोलिक साउंड हमें सुनाई देगी अब वो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। तो जिस पॉइंट पे हमें आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये दोनों प्रेशर हम उस टाइम के रिकॉर्ड कर लेंगे और हमारा ब्लड प्रेशर मेजर हो जाएगा। जो आपके ह्यूमंस और अदर मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी कि इनको अपना बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने के लिए कॉन्टिन्यू एनर्जी चाहिए होती है। तो इनका हार्ट
फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, दो ऑट्रियम एंड दो वेंट्रिकल, और डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है। लेकिन जो आपके एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं, ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो एटमोसफेयर के हिसाब से टेम्परेचर इनका चेंज होता है, तो इनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है। तो इनमें टू ऑट्रियम होते हैं एंड वन वेंट्रिकल है, फिर भी इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। जो वेंट्रिकल है एक ही है इसमें, तो इनका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ हद तक मिक्सअप हो जाता है, लेकिन फिर भी इन्हें ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए तो इनका काम चल जाता है। फिश है, इसमें टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन होता है, और इसमें गिल्स होते हैं, बाकी इधर क्या हो गए हमारे लंग्स हो गए। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें भी लिम्फ्स होते हैं, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स, ये भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है, जो कि काफी सब्सटेंसेस के सर्कुलेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।